केसरिया बालम पधारो म्हारे देश। खम्मा घड़ी, कैसे हैं आप सब? आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये राजस्थानी लहजे में क्यों बात कर रही हूँ, तो इसका रीजन है आज की हमारी ट्रैवल डेस्टिनेशन जो है जयपुर। जयपुर, जिसे अक्सर पिंक सिटी कहा जाता है, एक ऐसी मनमोहक जगह है जो इतिहास, संस्कृति और मॉडर्निटी का एक बहुत ही यूनिक मिक्सचर है। जयपुर अपने वाइब्रेंट आर्किटेक्चर, रिच हेरिटेज और वार्म हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसा शहर है जो हर एक ट्रैवलर पर अपनी छाप छोड़ जाता है। शानदार महलों से लेकर हमेशा बिजी एंड हलचल से भरे रहने वाले बाजारों तक, जयपुर में आने वाली ये 10 जगहें तो आप जरूर विजिट करना चाहेंगे। तो चलिए जानते हैं इन जगहों के बारे में। पहला, हवा महल। इस मशहूर महल को पैलेस ऑफ विंड्स यानी हवा का महल भी कहते हैं। ये एक अमेजिंग 5 मंजिला स्ट्रक्चर है जिसमें जालीदार लकड़ी की खिड़कियां हैं, जिससे जो पैलेस की औरतें और रानियां होती थी वो सारे स्ट्रीट फेस्टिवल्स और लोगों की डे टू डे लाइफ को देख सकती थी बिना दूसरे आम लोगों को दिखाई दिए। इसकी सुंदर दीवारें भगवान कृष्ण के क्राउन की तरह आर्किटेक्चर का एक असली कमाल है। दूसरा, सिटी पैलेस। रॉयल हिस्ट्री का असली डीप वर्जन तो आपको सिटी पैलेस जाके ही मिलेगा, क्योंकि इस पैलेस कॉम्प्लेक्स में म्यूजियम्स, कोर्टयार्ड्स, गार्डन्स से लेके चंद्र महल तक हर चीज ही इतिहास से भरपूर है। चंद्र महल में तो आज भी रॉयल फैमिली रहती है। ये राजपूत, मुगल एंड यूरोपियन आर्किटेक्चरल स्टाइल का एक बहुत ही दिलचस्प फ्यूजन है। थर्ड, अम्बेर फोर्ट। क्योंकि ये एकदम पहाड़ की ऊंचाई पे है, ऊपर से इसका व्यू कमाल का है। यहाँ शाम को होने वाला लाइट एंड साउंड शो काफी अमेजिंग है एंड बच्चों को तो इसे देखने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। क्या आपको पता है कि एक अंडरग्राउंड टनल अम्बेर फोर्ट को जयगढ़ फोर्ट से कनेक्ट करता है? हाँ, कहा जाता है कि इसका यूज रॉयल फैमिली एज एन एस्केप करती थी जंग के समय। फोर्थ, जंतर मंतर। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसकी खासियत ये है कि ये एक एंशियंट एस्ट्रोनॉमिकली ऑब्जर्वेटरी है, मतलब कि पुराने टाइम में यहाँ मौजूद बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से प्लैनेट्स, उनकी दिशा, टाइम, ये सब मेजर किया जाता था। पांचवा है जयगढ़ फोर्ट। अम्बेर फोर्ट में हम जिस अंडरग्राउंड रास्ते की बात कर रहे थे ना, वो इसी फोर्ट में जाके खुलता है। ये फोर्ट विजय किला या विक्ट्री फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। जयगढ़ फोर्ट वर्ल्ड के सबसे बड़ी व्हील वाले तोप का घर भी है, जिसे हम जयवाना कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस फोर्ट में कछवाहा डायनेस्टी का खजाना आज भी छुपा हुआ है, पर अब ये कितना सच है ये तो कछवाहा डायनेस्टी के पूर्वज ही जाने। छठवां है नाहरगढ़ किला। इस किले से आपको पूरे शहर का बेस्ट पैनोरामिक व्यू मिलेगा और साफ आसमान एंड ब्यूटीफुल सनसेट्स देखने के लिए तो ये और भी बेहतरीन जगह है। कहा जाता है कि इस फोर्ट को आज भी राजकुमार नहर सिंह प्रोटेक्ट करते हैं और उनकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। सेवन, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय। ना ही सिर्फ ये जयपुर का सबसे पुराना म्यूजियम है, बट इसके साथ साथ ये एक अमेजिंग इंडो सैरसेनिक आर्किटेक्चर का भी नमूना है। एट, जल महल। मानसागर लेक के बीचों बीच तैरता हुआ ये महल ना ही काफी सुंदर है, बट इसकी बनावट कुछ ऐसी है कि हमें पानी के ऊपर से सिर्फ इसका टॉप फ्लोर दिखता है और बाकी के 4 फ्लोर्स पानी के अंदर हैं। कहते हैं रॉयल फैमिली इसको अपने शिकार घर के रूप में इस्तेमाल करती थी। 9th है बिरला मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर के रूप में भी जाना जाने वाला ये सफेद मार्बल का एक मंदिर है। क्या आपको याद है हमने वाराणसी में भी एक लक्ष्मी नारायण टेम्पल का जिक्र किया था? उसकी तरह ये मंदिर भी लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। एंड लास्टली हम आते हैं चोखीधानी पे। अब यहाँ जाना तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राजस्थानी संस्कृति और मेहमान नवाजी का एक असली स्वाद पाने के लिए चोखीधानी सबसे महत्वपूर्ण जगह है। यह एथनिक विलेज टाइप का एक रिजॉर्ट है जो पारंपरिक राजस्थानी खाना, लोकल डांस, ऊंट की सवारी जैसी कई चीजों का अनुभव आपको देता है। और यहाँ के खाने में आपको इतनी सारी राजस्थानी वैरायटीज मिलने वाली है ना कि आपका आधा टाइम तो ये डिसाइड करने में ही निकल जाएगा कि शुरू कहाँ से किया जाए। तो ये थी जयपुर की वो 10 मशहूर जगह जिसे देखे बिना आपकी जयपुर की ट्रिप इनकम्प्लीट है। तो जल्द ही अपना नेक्स्ट ट्रिप प्लान करें जयपुर के लिए और कैंडिडस्केप को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।